हेलो फ्रेंड, यूनिक यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे खटमलों को मारने का बहुत ही सरल और आसान उपाय। जी हाँ दोस्तों, जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इससे खटमल ही नहीं, इसके अलावा और भी इंसेक्ट मार सकते हैं। जैसे कि छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि स्पाइडर, चींटियां या छिपकलियों को भी आप इससे भगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है और कैसे कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। खटमल एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो आपको रातों को सोने नहीं देता और आपकी रातों की नींदें हराम कर देता है। बिस्तर पर आप सोने जाते हैं तो खटमल आपका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है, और जैसे आप बिस्तर पर सोते हैं तो वो आपका खून चूसने लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा खटमलों को मारने का बहुत ही सरल और आसान उपाय, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, और उसके अंदर आपको ज़्यादा कोई सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या क्या सामग्री लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और उससे आप अपने घर के खटमल और यहाँ तक कि काली, लाल और काली चींटियाँ, और यहाँ तक कि आप इससे मच्छर भी मार सकते हैं और छिपकलियाँ भी मार सकते हैं, और छोटे मोटे इंसेक्ट जो घर के हैं उनको भी आप इससे भगा सकते हैं। और आपको बाजार से बहुत ही थोड़ा सा सामान लाना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो आपको क्या क्या सामग्री चाहिएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो अंत तक देखें, पूरा देखें, और तभी आपको समझ आएगा। अगर आप वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये फार्मूला आपको कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, और इसको इस्तेमाल करते हुए आपको क्या सावधानियां बरतनी है। उसके अलावा एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारा यूनिक यू चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप हमारा यूनिक यू चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चाहिएगा आपको ये नीम। जी हाँ दोस्तों, ये आपको लेना है 25 से 50 ग्राम तक नीम के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, हरे नीम के पत्ते, सूखे हुए नहीं चाहिएंगे, हरे नीम के पत्ते। और उसके बाद आपको लेनी है ये कपूर। जी हाँ दोस्तों, ये कपूर यानी कि कैम्फर, ये वो वाला कपूर है जो पूजा सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है। कपूर यानी कि कैम्फर, इसे इंग्लिश में कैम्फर भी बोलते हैं। आप 4 से 6 गोलियां कपूर की ले लें। जी हाँ दोस्तों, 4 से 6 गोलियां कपूर की ले लें। और उसके बाद आपको चाहिए कोई भी एक एंटीसेप्टिक। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे पास डिटोल है, ठीक है, आप डिटोल ले लें, या इसके अलावा आप सेवलॉन भी ले सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये नीम के पत्ते, जी हाँ दोस्तों, नीम के पत्ते आपको लेने हैं, और 1 लीटर पानी के अंदर उबालने। जी हाँ दोस्तों, अच्छी तरह से आपको उबालने हैं। कब तक उबालने हैं मैं बता देता हूँ, जब तक वो 1 लीटर पानी घटकर 700 ml ना रह जाए। और उसके बाद मैं आपको ये पूरा करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको करके इसका दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अब हमने ये 1 लीटर पानी ले लिया है, ये हम गैस जला देते हैं, और ये 1 लीटर पानी इस गैस के ऊपर रख देते हैं, और इसके अंदर अब हम नीम के पत्ते डालेंगे जो हमने 50 ग्राम लिए हैं। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने पानी रख दिया है और इसके अंदर नीम के पत्ते डाल दिए हैं, और खटमल की दवाई बनाने के लिए हम इसे जब तक उबालेंगे 1 लीटर पानी कम होकर 700 ml यानी कि 700 ml 700 ग्राम ना रह जाए। ये देखिए, नीम अच्छी तरह से पक रहा है, और ये जब तक 700 ml ना रह जाए तब तक हम इसे पकाएंगे, और ताकि के नीम की एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, माइक्रोबियल गुण, जितने भी नीम के औषधीय गुण हैं, पानी के अंदर चले जाएंगे, और उससे आपका केमिकल बहुत ही अच्छा बनेगा। तो दोस्तों, अब ये नीम के पत्ते बहुत अच्छी तरह से उबल गए हैं, अब इसके अंदर 700 ml पानी बचा है। अब हम इसको उतार कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसके नीम के पत्ते निकाल देंगे, बाकी का सामान इसके अंदर अब हम डालेंगे। तो दोस्तों,
हमने नीम का पानी उबाल लिया है, 700 ml पानी बच गया है। अब इसे छानकर एक मग्गे में डाल लेते हैं, उसके बाद इसमें बाकी सामान डालेंगे। ये हमने नीम का पानी उबाल कर तैयार कर लिया है, ये 700 ml बचा है। अब इसके अंदर हम ये कपूर की गोली जो हमने पीस ली है इसके अंदर डालेंगे और दो ढक्कन डिटोल डालेंगे, या 2 चम्मच डाल लीजिएगा या 2 ढक्कन आप डिटोल इसमें डाल लेंगे। ये कपूर की गोली इसके अंदर मिक्स कर लेता हूँ। 2 चम्मच डिटोल एक और ये 2। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे बोतल में डाल लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। इस तरह की कोई सी भी स्प्रे बोतल ले लें आप और उसके अंदर इसको डाल लें। और ये इसको बंद कर लें अच्छी तरह से ढक्कन को, और ढक्कन बंद करने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला लें। हिलाने के बाद इसको इस तरह से स्प्रे कर लें। ये देखिए, ये इस तरह से स्प्रे कर लें तो ये एक मिश्रण बहुत ही कारगर साबित होगा आपके घर के खटमलों को मारने के लिए और घर के अंदर छोटे मोटे इंसेक्ट हैं उनको भी मारने के लिए, जैसे कि लाल और काली चींटी। यहाँ तक कि इसके स्प्रे करने के बाद आपके घर में मच्छर भी नहीं आएंगे, मक्खियाँ भी नहीं आएंगी, और अगर आपको कहीं पे छिपकलियाँ भी दिखाई देती हैं तो आप उससे छिपकलियों को भी मार सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर के खटमलों को भी मार सकते हैं। आपके घर के अंदर जहाँ पे भी खटमल आपको दिखाई दे उस जगह पर इसका इस्तेमाल करें, जैसे कि आपके पलंग में, गद्दों में, बेड में या अलमारी में या किसी और जगह पर आपको जहाँ पर भी खटमल दिखाई देते हैं आप उस जगह पर इसका स्प्रे करें। इस केमिकल यानी कि इस मिश्रण का इस्तेमाल आप महीने के अंदर 4 से 5 बार करेंगे तो आपके घर के खटमल हैं वो सारे मर जाएंगे। और ये एक बार का बनाया हुआ स्प्रे कम से कम 3 महीने तक चलता है। आप इसको बनाकर रख लें और घर में कहीं पर भी आपको छिपकली दिखाई देती हो या लाल काली चींटियां दिखाई देती हो, मक्खियां दिखाई देती हो या मच्छर भी हैं, वो भी सारे इससे मर जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने घर के खटमल, मच्छर, मक्खी, लाल और काली चींटी और छिपकली को भी मार सकते हैं, भगा सकते हैं। एक बात और बताऊंगा, ये मिश्रण आप बनाकर रखेंगे तो इस मिश्रण को आप अपने बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ, ये एक तरीके का छोटा सा पॉइजन बन गया है, तो आप इसे अपने बच्चों पालतू जानवरों से दूर रखें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।